हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 80 रुपये का शेयर है। अगर 100 शेयर भी इसमें इन्वेस्ट किए जाएँ तो बनता है टोटल 8,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट। और साथ में एक गुड न्यूज़ है, इसराइल से मिला है 234 करोड़ का ऑर्डर अल्टीमेट। और अगर आप देखें, ये शेयर काफ़ी कुछ टाइम से गिरावट के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल सा दिख रहा है इस शेयर में। तो चलिए बात करते हैं, कौन सा है ये शेयर, क्या है इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्या है बाइंग लेवल्स, कहाँ कौन सी कंपनी से मिला है ऑर्डर, उन सब के बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, हम बात कर रहे हैं शेयर की। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी, टॉप की इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। तो देखिए 80 रुपये का प्राइस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 15%। के इस शेयर में मुझे खास बात ये लगी, ऑल्दो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है लेकिन सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया इसका है। डेट ना के बराबर, मतलब डेट फ्री शेयर है ये मान के चलिए आप। और अर्निंग पर शेयर भी बहुत बढ़िया, प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया, डिविडेंड यील्ड, अल्टीमेट डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास है। तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ पहले आपको ऑर्डर के ऊपर। BEL बैग्स ₹234 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इजरायली फर्म, इजराइल की कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर मिला है। तो इजराइल की कौन सी कंपनी है ये कंपनी है एल्बिट सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एलॉप लिमिटेड, एक सब्सिडरी है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड की इजराइल से। तो वहाँ से इसको ऑर्डर मिला है कुछ एयरबोन एप्लीकेशंस के लिए। तो बढ़िया बात है और मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव। ये जो अभी एयर शो हुआ था बैंगलोर में, वहाँ से ये बहुत सारी कंपनीज को वहाँ से ऑर्डर्स मिले थे, तो उसमें बेल भी एक कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है। और अगर आप रिजल्ट देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 508 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, बढ़िया प्रॉफिट भी लगातार शो कर रही है कंपनी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके टेक्निकल ग्राफ पे। अगर आप देखें टेक्निकल 192 ऑलमोस्ट 200 के लेवल से ये नीचे गिरावट देखने को मिला है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 50-60% गिरावट के साथ ये यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन बता रही है, मतलब 73-72 रुपीज़ से वापस बाउंस बैक किया है शेयर ने। अभी मैं ये कहूँगा इसमें कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिखा है। ये जब ये लाइन ऑल्दो इसने क्रॉस कर दी है, बट फिर भी 90s के लेवल, मतलब 90 का लेवल जब ये क्रॉस करेगी, यानी कि जो ये लेवल है 92-93 का लेवल ये क्रॉस करेगी, तो इसमें दिखेगा कि हाँ भाई एक स्ट्रेंथ सी देखने को मिली। ऑल्दो इस ऑर्डर के बाद और स्ट्रेंथ सी देखने को मिली, आज भी काफ़ी पॉजिटिव वे में ये बंद हुआ। पॉजिटिव मतलब आप खुद देखिए, 2-2.5% के जो है इसमें जंप देखने को मिला शेयर में आज की डेट में। अब आप ये जो चार्ट है, अब यहाँ से गिरावट, कितनी गिरावट है, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर चुका है ये, लेकिन ये 69 मतलब 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में अभी भी मैं ये कहूँगा, अगर आपको गिरावट में इस लेवल पे वॉलेटिलिटी के टाइम पे ये स्टॉक मिले तो ये एक बहुत स्ट्रांग जोन है इसका। ऑल्दो ये 57 से 70 के बीच में बनता है 12-13 रुपये का, काफ़ी स्ट्रांग जोन है, क्योंकि ये पहले यानी कि 2008 और 2010 दो टाइम का ये रेजिस्टेंस लेवल है जो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा बहुत बेहतरीन। और इससे पहले भी इसने इस लेवल पे कंसोलिडेशन दिखाई थी, तो अभी उम्मीद है कि ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो गई है, इन लेवल्स पर आने की कोशिश करेगा। ऑल्दो ये प्राइस यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन जरूर दिख रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सल कंप्लीट कब होगा, जब ये 90-92 के लेवल को पार करेगा। 3 इक्वल बॉटम्स इसने बनाए हैं, अभी देखिए एक ये अक्टूबर के महीने में बनाया, फिर इसने दिसंबर में, और फिर इसने अभी फरवरी में, तो 3 इक्वल बॉटम जिसको मैं कहता हूँ। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का ऑल्दो ये साइन होता है ये 3 बॉटम्स। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने बात करी बेल के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँ, बेल का डिविडेंड दिखाऊँ, बोनस देखिए 2 बार बोनस दिया अब तक और डिविडेंड बढ़िया। देखिए 2018 में 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 1.60 रुपये, एक बार 40 पैसा, और 2019 में 30 पैसा डिविडेंड दिया है। और आने वाले टाइम में और भी डिविडेंड ये आगे अनाउंस करेगा, किस में, मई के महीने में। और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा PSU स्टॉक बहुत कम होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बहुत कम होती है। देखिए मैनेजमेंट रिस्क, ग्रोथ, कैपिटल स्ट्रक्चर, हर तरीके से गुड क्वालिटी का स्टॉक है। वैल्यूएशन देखिए काफ़ी सस्ते में ये मिल रहा है ये मान के चलिए अभी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, कुछ भी गिरवी नहीं है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, FII ने इन्वेस्ट कर रखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के 7% के इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टॉप का शेयर मैं कहूँगा और काफ़ी सस्ते में, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है अभी के टाइम पे। 100 शेयर की कॉस्ट कितनी होगी 80 रुपये के हिसाब से, मात्र 8,000। और अगर हम देखें इसको 70 और 65 के लेवल पर अगर आप
को मिलता है ये, तो 6,500 या 7,000 के अराउंड में इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी राय जरूर बताइए शेयर के बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।